हाय पवन, क्या तेवर, क्या जलवे हु? ये सब छोड़ो, मुझे बताओ तन्वी के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? सुपर्ब। तुमको पता है तुम्हारे साथ रहते रहते मैं इतना अच्छा एक्टर बन गया, इतना अच्छा एक्टर बन गया कि मैंने अच्छे होने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि वो कंफ्यूज हो गई। अब प्यार जैसे पवित्र रिश्ते से भी वो शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी। वो सोच रही होगी कि मैं कितनी बेवफा हूँ, मैं कितनी बेईमान हूँ, और मैं कितना ईमानदार, कितना वफादार, सब कुछ जानते हुए भी मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ऋषि ने तन्वी को हमारी शादी के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया? वो तो मैं तन्वी को देख के ही समझ गया था। लेकिन पता नहीं ऋषि किस मूड में वापस आएगा, सबको बताएगा या नहीं बताएगा। कहीं अगर उसने ये बोल दिया कि तुमने उसका फोन चुराया या फिर तुमने उसको मारने की कोशिश की तो फिर? डोंट वरी, ऋषि किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, और अगर उसने बता भी दिया तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। बस थोड़ी सी घबराहट हो रही, बस किसी तरह ना ये शादी हो जाए। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तो मैं तन्वी से शादी कर रहा हूँ। शादी कर रहा हूँ। और तुम एक बात भूल रही हो, याद कर लो कि आज तक तुम्हारे लिए मैंने जितने भी वादे किए वो सारे वादे मैंने पूरे किए। आज फिर एक वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए तन्वी से शादी करूंगा, और तन्वी से शादी करके ही रहूंगा। थैंक यू पवन, आई लव यू। तुम्हारे इसी प्यार पे तो मुझे और प्यार आ जाता है। आई लव यू सर। बेशरम होना तुम दोनों, तुम दोनों देवर भाभी हो ना। तुम्हारे रिश्ते में शर्म नहीं रही कि शर्म वाला रिश्ता ही नहीं रहा है? छी, मैंने अपने लाइफ में गंदी से गंदी लड़कियां देखी, ऐसी भी लड़कियां देखी जिनके 104 अफेयर रहे हैं, 120 के साथ घूमती, 140 को घुमा रही होती, प्यार किसी और से करती है, टाइम पास किसी और के साथ कर रही होती, और ये तो कुछ नहीं शादी के बाद अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने होते ना वो भी करती है। पर तुम दोनों तो उन गंदी लड़कियों से भी मां गंदे निकले। रिश्तों की सारी मर्यादा ही भूल गए। ऋषि ने सही कहा था तनु, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। हाँ तनु, सही में तुम गलत सोच रही हो। अच्छा, क्या मेरी बड़ी बड़ी आंखें, ब्यूटीफुल काली काली आंखें नहीं दिख रही तुम्हें? है कि नहीं, इन आंखों में रोशनी है और इस रोशनी से मुझे सब दिखता है, और तुम जैसे लोगों को मैं यूं पकड़ लेती हूँ, यूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को, अपने कानों से सुना है। तुम अभी भी गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो चुप ही रहो, तुम कुछ ना बोलोगे ना तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। बड़े सती सावित्री, बड़े संस्कारिक बन के घूमते हो ना। तुम दोनों ने वो कहावत सुनी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए? वो राजेश खन्ना की फिल्म का डायलॉग है जो प्रेम चोपड़ा ने बोला था। अरे व्हाटएवर, तुम किसी प्रेम चोपड़ा से कम हो क्या? इस बंद कमरे में अपनी भाभी के साथ लगे हुए हो। उस दिन किचन में आके तुमने हाथ मरोड़ के मेरे से क्या पूछा था? हाँ, कि ऋषि और तन्वी के बीच में क्या चल रहा है। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और हाँ, तुमने क्या कहा था कि अपने पति पे ध्यान दो, खुद अपनी होने वाली बीबी को छोड़ के अपनी भाभी के साथ इस बंद कमरे में लगे हुए। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तनु, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ थोड़े से चक्कर आ गए थे। और हाँ हाँ, चक्कर आ गए थे, तुम्हारे ड्रामे ना मेरे सामने किसी काम के नहीं है, चक्कर आ गए थे। तनु प्लीज, तुम ये बात किसी को मत बोलना, अगर तुमने बोल दिया ना तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। मेरे सास ससुर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? प्लीज, वही सोचेंगे ना जो तुम हो। अगर आज इसकी और तन्वी की शादी तोड़ने से मेरे और ऋषि की शादी नहीं टूटती ना, तो अभी बाहर जाकर सबको बता देती कि तुम इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो। कितने बेशरम, कितने कमीने टाइप के लोग हो ना तुम। आज तो तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों ना मेरे से भी गए गुजरे हो। तनु, नहीं यार नहीं, वो पहले मैंने भी सोचा था कि अंताक्षरी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, लेकिन ये गेम बहुत पुरानी हो चुकी है। वो आजकल जवानों का जमाना है तो कोई जवानों जैसी गेम होनी चाहिए ना। अंताक्षरी बड़ी बोरिंग गेम हो गई है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत मजा आ रहा है, प्लीज खेलते हैं ना। अरे चुप रहो, चुप रहो। राज जी ने कह दिया ना, बोरिंग है तो बोरिंग है। हमारे जमाने में खेलते थे, सोचो कितना पुराना है, कुछ और खेलते। नहीं ना बीजी, प्लीज प्लीज अंताक्षरी खेलते हैं। मैंने कल रात से अब तक पता नहीं कितने गाने सुन लिए, इतनी मेहनत की है मैंने। प्लीज अंताक्षरी खेलते हैं ताकि मैं जिस भी टीम में जाऊंगा वो टीम जीत जाए। प्लीज अंताक्षरी खेलते हैं। अरे बच्चों को क्या हो गया है, क्यों पुराने जमाने का गेम खेलने में लगे? अरे बाहर चलते हैं, कितना अच्छा मौसम है, बाहर चल के खुले में कोई अच्छा सा गेम खेलते है कि नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो ऑलरेडी रात हो चुकी है, बिजली चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। एक काम करते हैं, सब यहीं बैठते हैं और अंताक्षरी खेलते हैं। चुप करो, चुप करो।
अरे थोते चुप हो जा, गोली मारो अंताक्षरी को। अरे ये का खा गा से गाना गाना अपने कान पकाना है। अरे कोई ऐसा गेम खेलते जिसमें सबको मजा आए और पता लगे कि कोई गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम जी? सच और हिम्मत। अरे सुनो सुनो, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अगर ऋषि इधर होता ना तो वो मुझे अभी बता देता। एक मिनट, ट्रुथ और डेयर। डेयर ये कौन सा गेम है बीजी? ट्रुथ एंड डेयर। नहीं, अरे तुम तीनों को क्या हुआ, एक साथ गरजे जैसे कोई बिजली गिर गई हो। मेरा मतलब है जैसे खेल खेल में तुम लोगों का कोई राज खुलने वाला हो। नहीं नहीं बीजी, ये बात नहीं है। वैसे ये गेम तो मैं भी नहीं खेलना चाहती थी, कुछ और खेलते ना जिसमें सबको मजा आए। क्यों भाई बानी, तेरा भी कोई राज है जिसके खुलने का डर है तुझे? हाँ मजाक कर रहे हो ना राना जी। अरे अभी किसी का राज खुले तो खुले, मैं तो यही गेम खेलूंगी, ट्रुथ और डेयर। डेयर इतने बड़े बड़े होंगे कि कोई कर ही नहीं पाएगा, और ट्रुथ के सिवा कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। बीजी बड़े ना, बच्चों के साथ बच्चों की खेल खेलते खेलते बच्चे ही हो जाते हैं। सही बात। मेरे पास एक गेम है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और मजा आएगा। कौन सा? पासिंग द पार्सल। हाँ। यही गेम खेलते हैं। हाँ। चलो चलो चलो, आज बेटा आज बैठो बैठो। तो फिर आप उसमें चिट्स वगैरह बनानी पड़ेंगी ना। हाँ, हाँ। पार्सल बनाना। तुम्हारे दिल में किसी और के लिए प्यार होने के बावजूद मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने तुमसे जो कहा वही तुम मुझसे भी कहो, कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तन्वी पुत्र, तू वहां क्यों खड़ी है? आजा बैठ हमारे साथ खेल खेल। तो हम सब पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं। मैं गेम के बारे में समझा देता हूँ। रूल तो सुन लो। ये है पार्सल। पार्सल मतलब ये गद्दी, ये कुशन, और वो बॉक्स जो है इसमें बहुत सारी पर्चियां लिख के रखी। ये पर्चियां मैंने अपने सबसे सीनियर असिस्टेंट की मदद से लिखवाई हैं। और बीजी और रिमोट का कंट्रोल है युवराज के हाथ में। युवराज म्यूजिक बजाएगा, हम लोग ये पार्सल एक दूसरे को पास करेंगे। और जैसे म्यूजिक रुकेगा, जिसके हाथ में भी पार्सल होगा उसको उठ के इस बॉक्स में से एक पर्ची निकालनी होगी, और उस पर्ची पर जो लिखा होगा वो करके दिखाना होगा। ट्रुथ और डेयर भी? हाँ बीजी, हाँ आपका ट्रुथ एंड डेयर भी। तो भाई सब लोग तैयार रहे ना, कुछ भी करना पड़ सकता है। अरे यार, मैंने इतनी अच्छी तरह से गेम समझाई, कोई ताली शाली नहीं? तो ठीक है ठीक है। युवराज जी, बाबा जी, गेट सेट गो। ओके जी, ये प्ले। नहीं, युवराज तूने ये क्या किया? गलती से तूने गलत टाइम पे गलत बंदे पे म्यूजिक रोक दी। नहीं चाचा, मैंने जानबूझ के सही टाइम पे सही बंदे का म्यूजिक रोका है। पुत्र लेकिन कम से कम एक राउंड तो पासिंग का होना चाहिए था ना। देखो चाचा जी, इस गेम की चाबी मेरे हाथों में, तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि किसके पास रुकना है कि नहीं। पर्ची में देख क्या लिखा है। जब आप बोल रहे हो तो ठीक है, ऐसे खेलते हैं। जल्दी बता जल्दी। भूल गया पंडूरा यार। ठीक है, ट्रूथ एंड डेयर। मैं पूछूंगी है ना भाई, मैं ही पूछूंगी। ओ बीजी, आपको क्यों लगता है कि मैं ट्रूथ ही लूंगा? हो सकता है कि मैं डेयरिंग भी लूं। अच्छा तो बोल, क्या चुनेगा, ट्रूथ या डेयर? कुछ भी बोलने से पहले मेरी एक बात सुन, अगर तू डेयरिंग चुनेगा तो जिंदगी भर डेयरिंग कर नहीं पाएगा। हाँ बीजी, एक काम करो, वो डेयरिंग को छोड़ो, मैं ट्रूथ ही लूंगा। तो फिर एक बात बता, तो बता तेरी बीवी का कोई ऐसा राज जो तुझे और तेरे परिवार के सिवा कोई नहीं जानता। सॉरी बानी, मेरी बानी ने
अपनी बेटियों के बारे में बहुत बड़ा राज छिपा के रखा है। जिन्हें ये अपनी भतीजियां कहती हैं, वो दरअसल में हमारी अपनी सगी बेटियां हैं। कहने का मतलब है कि हमारी सगी बेटियों जैसी, अब तन्वी और उसकी बहन को भी तो मैं अपनी बेटी जैसा मानती हूँ ना। देखिए, अगर बेटी जैसा नहीं मानती तो इतना अच्छा रिश्ता लेकर आती, इतनी धूमधाम से उसकी शादी कराती, है कि नहीं? हाँ परजाई, तन्वी है ही इतनी प्यारी बच्ची, इसे देखते ही अपनी बेटी बनाने को दिल करता है। मैं तो इसे अपनी बेटी बना ही चुका हूं। आपका दिल बहुत बड़ा है परजाई जी, वरना कौन पराए धन को अपना कहता है। इतनी जोर से चिमटी क्यों काट रही हो? क्योंकि आप आउट हो गए हैं, अब आप हमारे साथ गेम नहीं खेल सकते। अब आप उठकर युवराज की जगह पर जाइए और युवराज को यहाँ भेज दीजिए, प्लीज। युवराज पुत्र, लाओ हमको रिमोट, जाओ। हाँ युवराज, अब म्यूजिक स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट। ये रिमोट क्यों नहीं रुक रहा? म्यूजिक क्यों नहीं बंद हो रहा भाई? पवन, अपने चीट दिखाओ, और इस बार ना कोई चीटिंग नहीं। ये लो। अब एक सेकंड। उसके साथ डांस करो जो तुम्हारे बहुत करीब हो। अच्छा। ये मक्कार सबके सामने इतनी बेशर्मी दिखा रहा है, फिर भी ये बड़े समझ क्यों नहीं रहे? एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसमें ये लिखा था कि आप उसके साथ डांस करो जो आपके बिल्कुल करीब हो। कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ कि जो बगल में बैठी हो उसके साथ डांस करना है या फिर जो तुम्हारे दिल के पास है उसके साथ। लेकिन मैं तो उसी के साथ डांस करूंगा जिसके साथ मुझे, जो तुम्हारे दिल के बिल्कुल करीब हो, और वो है तन्वी, है कि नहीं? हाँ। प्लीज मुझे डांस नहीं करना। Come on, Tanvi, chill now. Yeah, come on, Tanvi, come on. देखो भाई, गेम्स का रूल है, ये तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें पवन के साथ डांस करना पड़ेगा, उठो ना। हाँ, फिर चाहे डांस करना आए या ना आए, डांस तो करना ही पड़ेगा। करो करो। हाँ तन्वी, अगर गेम खेल रहे हो तो डांस तो करना ही पड़ेगा।
जाते ना, स्पेस मिल जाएगा हम सबको। अरे अलग भी हो जाओ, अरे कितनी देर ऐसे ही गले लगे रहोगे? सबको सब कुछ आज ही बताना है क्या? तन्वी, ऋषि, ऋषि बेटा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? अब मैं और छोटा ओए, खोतो, ओए मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे सुबह से? बाय द वे, तू तो अपनी शेरवानी ट्राई करने गया था, ये चोट कहां लगी? अरे ऋषि, चोट लगने की वजह से कपड़े तुम डिजाइनर क्या छोड़ आए हो या और कहीं रख के आए हो? बस बस बस, भाई को सांस तो लेने दीजिए, आप लोग कितने सारे सवाल कर रहे हैं। मनप्रीत, ये क्या हुआ, तुझे भी चोट लगी? इसे कैसे चोट लगी? हाँ ठीक है मामा, टेंशन मत लो। वो बताता है कि नहीं? अगर तुमने मंदिर के पास कार ना रोकी होती तो तुम जिंदा वापस आते ही नहीं, और ना मेरे बारे में कुछ बताते, सब गड़बड़ हो गई। बेटा, मैं पूछ रही हूँ, मुझे बता, मुझे बता तुझे ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये चोट कैसे लग गई तुम दोनों को? देख, मुझसे झूठ मत बोलना, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। बता पुत्र, ये सब कैसे हुआ? आप सभी के सवालों का जवाब सिर्फ पवन दे सकता है। क्योंकि पवन ही जिम्मेदार है हमारी इस हालत का। छोड़ूंगी नहीं, सच सच बता, नहीं तो एक कान के नीचे बजाऊंगी। पवन,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों पर हाथ उठाने की, उन्हें चोट पहुंचाने की? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी। बीजी, एक मिनट चुप रहेंगे जरा आप लोग? इस बात का जवाब ऋषि देगा। ऋषि, क्या किया पवन ने तुम्हारे साथ? क्या हुआ और क्यों? भाई किसी को बताना मत कि पवन और सलोनी की शादी हो गई है। पवन ने हमको धोखा दिया है। पागल है तू? अभी कहेंगे तो हम ही झूठे साबित हो जाएंगे। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है पवन के खिलाफ। करेक्ट। ये पता है, ये तो वही कहानी हो जाएगी। शेर आया मतलब कि जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं हो पवन के खिलाफ, जब हम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते, अगर इल्जाम लगाएंगे तो लोग हमें झूठा कहेंगे यार। हमें कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए, जिससे कि हम सबको बता सके कि पवन गलत है। उसका पर्दाफाश करने के लिए हमें सबूत चाहिए। हाँ भाई, सबूत। वो पवन ने पहले ही बजा दी। फोन की घंटी, मतलब पवन ने कॉल किया ये याद दिलाने के लिए कि रात को डिनर है। तो अब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, फोन उठाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। क्यों? हाँ भाई, बस बीजी, सुन लिया आपने? पहले इसने पवन पे इल्जाम लगाया कि पवन की वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ। ये इतना बढ़ा चढ़ा के इतना गोलमोल करता है हर बात को कि दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। मैं तो डर ही गई थी ऋषि, इस घर के होने वाले दामाद पे तुम ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? ये तुमने ठीक नहीं की। अरे आंटी जी, अभी इल्जाम लगाया कहाँ है? बस कह रहे थे कि जब एक्सीडेंट हुआ तो पवन का फोन आया, हम गाड़ी चला रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। क्यों? लक्ष्मण की औलाद। लक्ष्मण की औलाद? पर डैड, मैं तो आपकी औलाद हूँ ना। लक्ष्मण बन के भाई के आगे पीछे घूमता रहता है। नहीं, भाई कह देगा कुएं में छलांग लगा दो, लगा देगा। हाँ, कूद जाऊंगा। तो जा, कूद जा। वो तो आप बोल रहे हो ना। भाई बोलेंगे तो मार दूंगा। बाय द वे, इतनी चोटें आई हैं मुझे, आप लोग सिंपैथी दिखाओ, प्यार दिखाओ, केयर दिखाओ। मैंने तुम लोगों को कहा है ना, जब भी ड्राइव कर रहे हो किसी का भी फोन आए, किसी का भी, हाँ तो आपका भी? मेरा भी नहीं। तो जब किसी का भी फोन आए तो तुमने फोन नहीं उठा रहा है, क्यों उठाया बताओ? सॉरी मॉम। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस करो कि आज के बाद किसी का भी फोन आए तो फोन नहीं उठाओगे जब भी ड्राइव कर रहे होगे। करो प्रॉमिस। प्रॉमिस मॉम, नहीं उठाएंगे। गुड बॉय। अरे वैसे तुम चुप क्यों खड़े हो पवन? जब एक्सीडेंट हुआ तो मतलब तुम खुद फोन पे मैंने सुनी तुम्हारी आवाज, लेकिन बाद में फोन कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो मुझे लगा कि तुम शरारत कर रहे हो, यू नो, हर बार की तरह जैसे करते हो तुम। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे आंटी जी टेंशन मत लो यार, कुछ नहीं हुआ। वैसे भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा मजाक किया है। अरे वैसे आंटी, तुम सीधी टेंशन ना लो। वो क्या कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है ना कि हम इस पे इल्जाम लगाएं। हम तो मजाक कर रहे थे भाई। क्यों? हाँ, बहुत अच्छा मजाक था। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे मजाक बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मजाक तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ, सब जानते, पापा जानते, तन्वी जानती, सब जानते हैं। लेकिन जब मैं सीरियस होता हूँ ना, जब वाला रूप देखोगे ना, तब समझ में आएगा ऋषि सिंह बेदी चीज क्या है। रुको इन दोनों को, अगर ये दोनों यहाँ खड़े होकर ऐसी बातें करते रहे ना तो सच बोल देंगे और हमारा राज खुल जाएगा। अच्छा हुआ ऋषि और मनप्रीत सही सलामत घर आ गए। तन्वी बेटा, जाओ दोनों को खाना परोस दो। नहीं, खाना हम लोग ने आते टाइम प्लेन प्लेन सब्जी और रोटी बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, है ना चाचा जी? प्लेन रोटी सब्जी। चलो ठीक है, आप खाना खाकर ही आए हो तो हमारे साथ गेम खेल लो, है कि नहीं? गेम खेलने मतलब कैसी बातें कर रही है? आपकी उम्र देखिए और हम लोगों को देखिए। चुप कर, वो वाला गेम थोड़ी, मैं तो पासिंग द पार्सल वाले गेम की बात कर रही थी, है कि नहीं? चाची जी, हम फ्रेश होके आते हैं फिर खेलेंगे, है ना? हम सब मिलकर खेलेंगे। चलो 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 चलो, हम लोग भी रिफ्रेश हो रहे हैं। तन्वी जाकर ना सबके लिए मिठाई ले आओ, खाने के बाद मीठा अच्छा लगता है कि नहीं? ओए युवराज, ओए खोते, तू कहाँ जा रहा है? यहाँ पापा जी एक मिनट में। ओए चलो चलो चलो, सब लोग चलते हैं अपनी जगह पर, पहले जैसे बैठ जाओ, फिर से गेम शुरू करते हैं। चलो 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 जी, चलो, मजा आ रहा था गेम। बल्कि ये जान निकल गई मेरी, ऐसा लगा ऋषि सच बोलने ही वाला है। पता नहीं उसने मुंह क्यों नहीं खोला, सच क्यों नहीं बोला उसने। मैं जानता हूँ तो क्यों नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वही बात होगी, शेर आया शेर गया। उसके पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है,
अगर वो यहाँ सबके सामने कुछ भी बोलता है तो उसकी बात कोई नहीं मानेगा, वो झूठा साबित हो जाएगा। उसने पहले भी ये सारे पैतरे आजमा चुका है। तुमको पता है ना, सगाई में तुम्हारी और मेरी पिक्चर्स दिखाई थी उसने सबको। लेकिन अब वो जानता है कि अब बिना किसी सबूत के वो आया तो कोई उसका विश्वास नहीं करेगा, इसलिए अब वो सही समय पर सही सबूत के साथ अटैक करने की कोशिश करेगा। और वो ऐसा बम फोड़ेगा हमारे ऊपर कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या किया। आपकी बैंडेज। आउच। आउच यार, बहुत जल रहा है यार। भाई सच में दर्द हो रहा है क्या? हाँ यार बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ उसको यार। आउच यार, ये तो निकल गया पूरा यार। भाभी जी नौटंकी बाज। अब बहुत अब जलन हो रही है। अरे तन्वी तुम बहुत जल रहे यार, प्लीज कुछ करो ना। तुम बैठो मैं ठीक। हाँ बैठता हूँ। देखो यहाँ पे। आउच। एक सेकंड। हाँ बैंडेज। बैंडेज है ना ये आप। बैंडेज। आउच। तन्वी बहुत तन्वी जल्दी करो, चल रहा है। जलन, चोट से जलन हो रही है उस पवन चवन से। अच्छा यहाँ पे देखो आराम से। अब वो बैंडेज के यहाँ नीचे में जलन हो रही है। तुमने क्या अच्छा लगा बहुत, वो फिर से करो ना। यहाँ देखो यहाँ पे जलन हो रही है। पास आओ, पास आओगे तो